इस दौर में अगर देखें तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवा कार रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना और एनसीपी जो है इसका सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे नगर सेवकों को डरा धमका कर अपने साथ जोड़ रही है। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, रामाशीष यादव परसों हमारे पार्टी में आए, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। उनको डरा धमका के लेके गए थे पुलिस कमिश्नर के पास और स्टेटमेंट देने को बोला था। जैसे वो दबाव निकल गया वो हमारे पार्टी में आ गया और उन्होंने बोल दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मैं बाला साहब ठाकरे जी को मानता हूँ। अब आपको दूसरा, मुझे बहुत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। हिंदुस्तान में आज हर आदमी को मालूम है, हर मतदार को मालूम है कि सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग बीजेपी ने किया। सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, ज्यादा से ज्यादा इतना गंदा काम 1947 से जितने भी सरकारें बनी अलग अलग किसी ने नहीं किया और इसका दुरुपयोग करते हुए ये लोग सत्ता में रहे। लेकिन महाराष्ट्र में जैसी सत्ता बदल हो गया, आपने देखा कि इनके जो इनको स्वेलो बोलते हैं, सूज बोलते हैं, मराठी में आई थी वो निकल रही और इसलिए उस पार्टी से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये ओरिजिनल कोई बड़ी पार्टी नहीं है। हमारे पहले के जो भाजपा के चीफ मिनिस्टर और उनके साथी थे, उन्होंने पैसा और सत्ता का दुरुपयोग करके ही पार्टी बढ़ाई थी, लेकिन अभी वो श्रिंक हो रहे हैं।